भाई 2 किलो 100 ग्राम निकला भाई, बहुत हमारे लिए, मैं अकेले के लिए काफी है, वो मेरा भाई जो खाएगा मेरे साथ में। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल दोस्तों। बात करते हैं आज की वीडियो की। भाई आज मैं आया हूँ जी जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में। भाई सांबा डिस्ट्रिक्ट में नड रीजन है भाई, जहाँ के देसी मुर्गे बड़े मशहूर हैं। तो अपने एक भाई थे जिन्होंने बताया कि भैया नड रीजन में ही अपने एक काली जी हैं, काली का ढाबा है भाई, जिनका देसी मुर्गा बड़ा ही लाजवाब है, जरूर ट्राई करना वहाँ पर। तो आज हम स्पेशली जम्मू से सांबा आए हुए हैं जी ये टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर टेस्ट करने से पहले मैं आपके साथ यहाँ का लैंडमार्क और यहाँ का एड्रेस शेयर करता हूँ भाई, एग्जैक्टली ये ढाबा कहाँ लोकेटेड है। तो ये है जी काली का ढाबा। तो ये एरिया कहलाता है जी नड। तो मेरा राइट साइड से अगर आप जाओगे इस साइड से तो ये जी मानसर रोड है। तो यहाँ से कोई मानसर कोई 11 किलोमीटर दूर है। और मेरे लेफ्ट साइड से अगर जाओगे आप इस साइड से तो ये है जी अपना जम्मू वाला एरिया, मतलब कि आगे जाके मानसर मोड़ आता है, वहीं से आपका एक रास्ता जम्मू के लिए निकलता है और एक रास्ता सांबा के लिए निकलता है। तो वहाँ से करीब ये 11 किलोमीटर अंदर है। तो ये है जी अपने काली दा ढाबा। ढाबा एकदम सिंपल है जी, वो कोई हाईफाई ढाबा नहीं है, एकदम विलेज स्टाइल ढाबा है ये भाई, लेकिन मुर्गा इनका शानदार होता है। तो ये भाइयों ने यहाँ पर रखा हुआ है जी अपने देसी मुर्गे बड़े ज़बरदस्त। और मैं देख रहा हूँ कि नीचे इन्होंने बॉयलर भी रखे हुए हैं, पर हम बॉयलर खाने नहीं आए, हम देसी मुर्गा खाने आए हुए हैं जी। ढाबा भाई ज़बरदस्त है, देखो एकदम सिंपल विलेज ढाबा देसी स्टाइल। ये रहे चूल्हे वगैरह। तो ये अंदर का इंतजाम सिटिंग एरिया में, भाई कह रहा है कि भैया इस साइड से जाओ, इस साइड पर हम बैठने का इंतजाम है जी हमारा। जब कभी बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, तो लोग अंदर बैठ के खाना खाते हैं इस साइड से। बट मेरे को जो अच्छा लगा, मेरे को तो अच्छा लगा भाई, आज मौसम साफ है, बारिश वाला मौसम नहीं है। तो भाई आज बारिश वाला मौसम नहीं है, तो भाई इत्मीनान से मैं तो खाऊंगा इस बाहर इस फट्टे के ऊपर। भाई यहाँ पर खाने का मज़ा ही कुछ और है। अब मुर्गा भाई ये रहा भाई, देखो इधर जब आओगे आप तो आप इधर भाई अपना मुर्गा जो है खुद सेलेक्ट कर लो भाई, कितना किलो का लेना है, 2 किलो लेना है, 2.5 किलो लेना है, 3 किलो लेना है, तो बस उसी के अपने हिसाब से आप लीजिए और इनसे बनवा लीजिए। भाई 2 किलो 100 ग्राम निकला भाई, बहुत हमारे लिए, मैं अकेले के लिए काफ़ी है, वो मेरा भाई जो खाएगा मेरे साथ में। हो गया अब क्या करना है। तो रही दोस्तों, हो गया अपना मुर्गा साफ। दोस्तों यहाँ पर अपना जो मसाला है जी बनना स्टार्ट हो गया है। भाई अपना क्या मसाला कूट रहे हैं जी? थोम भाई, ये थोम कूट रहे हैं, लहसुन थोम, और ये इन्होंने यहाँ पर प्याज वगैरह रखे हुए, मसाला वगैरह रखे हुए हैं जी। भाई ने मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया है देसी मुर्गे के लिए। भाई क्या क्या मिला आपने इसमें? प्याज, मिर्च, अच्छा अच्छा प्याज मिर्च और जीरा, अच्छा। दोस्तों तड़का लगना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो क्या जी अपना मुर्गा भाई साफ होके आप जी इसे थोड़ा साफ करेंगे, इसे थोड़ा धोएंगे। भाई देखो, अरे वाह, ये इतना खासियत होती है ना अपने विलेज फूड की। भाई इधर वो भी ये लगा हुआ है, अपना हैंड पंप भी लगा हुआ है जिससे इसको साफ़ किया जाएगा। अब उसकी सफाई की जाएगी जी। भाई क्या बोला आपने? ये मिल गया जी, अब लहसुन पूरी मेकिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, प्याज, जीरा, थोम, अदरक का तड़का लग रहा है। ठीक है, कौन सा मसाला जी? टिक्की मसाला। तो जब टिक्की मसाला मिला गया जी इसके अंदर। ओके, बल्कि इसी पे इसको अपने मैरिनेशन करना है। ज़बरदस्त खुशबू भाई, खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो आधे घंटे के लिए इसको पकाया जाएगा जी अब इस तड़के के ऊपर, कि जो इसी कढ़ाई में ही अब ये मुर्गा बनेगा, इसी में इसको गलाएंगे ही आधे घंटे तक। तो कुकर देने की कोई जरूरत नहीं है, सीटियाँ देने की कोई जरूरत नहीं है उसको, स्वाद ही रहेगा उसका। दोस्तों अब चलने जा रहा है इस पर मसाला। भाई मसाला क्या क्या भैया? ये जी हल्दी, ये कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ जीरा ना, कुटा हुआ जीरा। दोस्तों बताना चाहता हूँ ये क्या डाला, ये क्या डाला? मीट मसाला। मीट मसाला ये डाला जी, मीट मसाला। भाई ने जो टमाटर है वो लास्ट में डाले हैं, क्योंकि इसे क्या रहेगा कि इसे टमाटर ना थोड़ा कच्चा कच्चा रहेगा, और कच्चा कच्चा जो सब्जी रहती है वो टेस्ट को बहुत बढ़ाती है नहीं है भैया? अच्छा मैं दोस्तों बताना भूल गया था आपको कि जो अभी चूल्हा है, अभी चूल्हे पे इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि 4-5 दिन से बारिशें हो रही थी, जिस कारण क्या हो रहा था कि जो चूल्हा जो है वो गीला हो गया, तो उस पर अभी नहीं बना पा रहे हैं ये देसी मुर्गा, तो कढ़ाई में बना रहे हैं। भाई कोई बात नहीं है, देसी मुर्गा होता है, पावे कढ़ाई में बनाओ पावे आप चूल्हे में बनाओ, टेस्ट तो वही रहने वाला है।
हाँ नहीं नहीं भैया ग्रेवी नहीं बस सूखा बनाना उसको। हाँ ड्राई हाँ सूखा सूखा अच्छा रहता है। दोस्तों पूरा आधा 35 मिनट हो गए इसको भनते हुए पकते हुए। भाई देसी मुर्गा जो होता है ये बकरे से भी बहुत सख्त रहता है, इसको गलने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों ये डाल रहे हैं जी भाई अपने इसमें नींबू, भाई जैसे टेस्ट थोड़ा सा खट्टा खट्टा होगा। हाँ टमाटर से भी और नींबू से भी खुशबू यार क्या आ रही है भाई क्या। कह रहे जी प्लेट लेकर आओ। पूरे 40 मिनट के बाद भाई हमारा जो मुर्गा देसी वो बन के तैयार हो चुका है। वो मुर्गा ओहो ये भाई अपने मास्टर शेफ हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रधान सिंह जी। ये प्रधान सिंह जी हैं जो इनके शेफ हैं। भाई जबरदस्त है तो लीजिए दोस्तों अपना मुर्गा आ गया है। क्या जी? अच्छा टूथपिक। भाई ने टूथपिक भी ले आया पहले ही। भाई खैर अगर मुर्गा फंस गया दांत में तो भैया निकालने के लिए टूथपिक भी ले तो ले। तो भाई साहब ये राजी अपना देसी मुर्गा भाई बड़ा ही ज़बरदस्त। ये राजी अपना कि तरीके से लेग पीस कहाँ चला गया यार। सब मुझे लेग पीस चाहिए पहले। इसका लेग पीस बड़ा देखने लायक होता है यार। तो दोस्तों भैया ये राजी इसका लेग पीस, भैया इसका लेग पीस बड़ा ही डिफरेंट टाइप का होता है। इसका लेग पीस होता है वो नॉर्मल लेग पीस नहीं होता है, अलग किस्म का लेग पीस होता है ये। भाई वाह भाई साहब खुशबू जो आ रही ना वो मैं बयान नहीं कर पाऊँगा आपसे यार। गजब आपसे ग्रेवी देखो मैंने सूखा बनवाया हुआ है, मैंने ग्रेवी वाला नहीं बनवाया। भाई मेरे को ग्रेवी वाला देसी मुर्गा ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ा थोड़ा बहुत दिखाऊँ मैं अच्छी तरह से, इत्मीनान से दिखाता हूँ। भाई ये देख लो आप। तो दोस्तों ये लेंगे एक पोटा यार, देसी मुर्गे का पोटा और लेग पीस भाई ये मैं कभी मिस नहीं कर सकता। और ग्रेवी के नाम पे थोड़ा सा ये रहा तो मसाला बनाया गया हुआ इसके ऊपर ये रहा जी। देखो जी मसाला देखो आप उसका यार। आह खुशबू तो भैया ज़बरदस्त आ रही है। अब करते हैं टेस्ट यार। अगर बुरी तरह खाऊं तो मुझे माफ़ कर देना। पहले इसको मिला के रखेंगे भाई। पहले मैं खाऊंगा ये पोटा। भाई प्रधान साहब का बहुत भगवान भला करे भाई, बहुत ही लाजवाब बनाया हुआ है। आह नमक मसाले सब बराबर है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भाई मज़ा आ गया। हाँ टेस्ट करें चावल का। साहब अल्फाज कम पढ़ने वाले हैं, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है ग्रेवी का। जो मसाले थे वो तो आपने देख ही लिए कि क्या क्या डाले गए थे। कब खाएंगे ये? मुझे रहा नहीं जा रहा। ओहो भाई पूरा गला हुआ है। भाई देसी मुर्गा कढ़ाई में गलाना भी एक कला ही है। देखो यार देखो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो ये देखो ये देखो। आहा ओहो कितना सॉफ्ट है यार। ऐसा लगता है जैसे भाई ने कुकर में पता नहीं कितनी सारी सीटियाँ दी हैं इसको, जैसे गल गया हुआ है। भाई मज़ा आ गया खाने का। इसमें जो लास्ट में इन्होंने नींबू डाला ना, वाकई में उससे टेस्ट बहुत चेंज हुआ है। मसाले के साथ थोड़ी खटाई आती है, शायद टमाटर इतना जस्टिफाई नहीं कर पाता उस खटाई को जितना उस नींबू ने कर दिया। भाई 2 किलो मुर्गा मुझे लगता है काफ़ी होता है मेरे जैसे बंदे के लिए। क्योंकि मैंने बाद में ये ऑफ कैमरा आराम से खाना है। भाई इतनी दूर आए हुए हैं तो भैया अच्छी तरह खा के जाएंगे ना यार। भाई मज़ा आ गया खाने का यार। चलो अभी मैं इसको ऑफ कैमरा फिनिश करता हूँ, बाद में हम खाएंगे इत्मीनान से जो फुलका, देंगे फुलके का क्या टेस्ट आने वाला है। फिर मैं बताऊंगा कि भैया फुलका ज़्यादा टेस्टी है या चावल ज़्यादा टेस्टी है। तो भाई साहब मेरा हो गया जी
चावल फिनिश। भैया फुलका तंदूरी है, अब इसे कहते हैं टेस्ट। भाई टेस्ट क्या आने वाला है भाई, कोई पीस निकाल दे, कोई तगड़ा सा यार। भाई आप ये ना सोचना कि जो मेरा कैमरामैन भाई है मैं उसे खिलाऊंगा नहीं, मैं उसे भी खिलाऊंगा। हाँ ये राजीव फुलका खाते हैं, इसका टेस्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो। भाई फुलका भी गजब टेस्ट दे रहा है भाई, फुलके से भी कोई कमी नहीं टेस्ट में। लेकिन चावल जो है ना थोड़ा वो, आपको पता है चावल तो भाई किंग होता है। तो लेकिन फुलके के साथ ही मज़ा है। मारे मैंने मज़ा आ गया। तो बात होती प्राइस की, प्राइस क्या इसका था भाई? जो मुर्गा जो हमने बनवाया ये है जी 450 रुपये किलो। बट बताना चाहता हूँ कि इसका भी हिसाब वैसा ही है जैसे एक सोने का होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी 450, कभी 350, कभी 400। तो रेट इसके फिक्स नहीं होते। बाकी चावल जो मैंने हाफ प्लेट लिया वो था जी 40 रुपये का। जो ये फुलका आपको दिया भाई साहब ने, ये जी 7 रुपये का एक। और बनवाई फ्री में नहीं है। जो आप मुर्गा देख रहे हो जो भाई ने बना के दिया हमको, इसकी जो बनवाई है जी वो है जी 120 रुपये। तो भाई रेट ठीक है, रेट ज़्यादा बुरे नहीं। तो दोस्तों ये थे अपने काली का ढाबा भाई, जहाँ पर आज हमने देसी मुर्गा खाया भाई, बड़ा स्वाद आया। तो आप भी यहाँ पर आके इनके पास ये देसी मुर्गा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों फिर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।